सिद्धांत तुम जगदीक सारम संप्रापिता गादिभवाब्दिपारम नत्वातनं तिशवोदिभारम समांदिसारम विरुडुमिसारम नमो रिहिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोई सुविसाहूडं अनंत अनंत परम स्तक वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाय स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की वही समय विश्व धर्म की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हैं ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद बोध प्रदान किया है। यह है परम तत्व समृषि भाव शांत चित्त आत्मिक आस्था देव सा गुरु प्रति श्रद्धा। यह समाज विकास राष्ट्र विकास तीर्थ विकास शुद्धात्व की प्राप्ति का उपाय। जहाँ आस्था है वहाँ सास्ता है, जहाँ आस्था का अभाव है वहाँ सास्ता का भी अभाव है। सास्ता उनके लिए है जिनके पास आस्था है। आज है देव बंद देवमय हो गया इतने निर्गंथों को देख करके संपूर्ण नगर आनंदित आह्लादित है। निर्गंथों का बिहार अरहंतों की याद दिलाता है। जिस स्थल पर निर्गंथ विचरण करते हैं उस स्थल पर व्यक्ति को अरहंत का बोध होने लगता है। भगवान महावीर की यही मुद्रा है। ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत नहीं अनादि सनातन अनंत जो सत्यार्थ धर्म की मुद्रा है उसका नाम निर्गंथ मुद्रा है। आपकी आस्था आपका विश्वास देववंद के श्रावक कई वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और नगर नगर में हमारे पास आए उनकी भक्ति ही यहाँ खींच के लाई है कि मार्ग कहीं तक आ था और मार्ग कहीं खुला है। आचार्य प्रवर समाधि सार ग्रंथ में कह रहे हैं कहा बुभुक्षुराम कालकुटम। तो बुभुक्षु जीव है किसी को भूख लगी है तो पेट भरने के लिए क्या जहर खा लेना चाहिए? भूख से पीड़ित होना सहन कर लेना लेकिन जहर खाना स्वीकार नहीं करना। उसी प्रकार से मुझे धर्म करना है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है इस बात को लेकर के जैसे भूखा प्राणी जहर नहीं खाता है ऐसे बिना तत्व ज्ञान के रह लेना परंतु विपरीत तत्व को स्वीकार नहीं कर लेना। आपने प्रवचन नहीं सुना प्रवचन के प्रति श्रद्धा है कल्याण हो जाएगा लेकिन विपरीत प्रवचन सुन लिया विपरीत श्रद्धान हो गया तो संसार में भटक जाएगा जी।
कुछ लोगों की दृष्टि होती है मुझे जो धर्म से मतलब है, कहीं भी जाके करके आ जाऊंगा। नहीं मित्र, पेट भरने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, जीवन जीने की आवश्यकता होना चाहिए। उसी द्रव्य से पेट भरो जिससे अहिंसा का पालन हो, उसी द्रव्य से पेट भरो जिस शरीर स्वस्थ हो, उसी द्रव्य से पेट भरो जिससे मित्र वित्रागता के पोषण हो। ऐसी वस्तु से पेट नहीं भर लेना जो अवक्ष हो। उसी प्रकार से उन्हीं उपदेशों को कानों में धारण करो जिससे वित्रागता की सिद्धि होती हो। उन्हीं उपदेशों को कानों में स्वीकार करो जिससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती हो, हित तो उपदेश की प्राप्ति होती हो, आत्मा का कल्याण होता हो। किसी व्यक्ति का हार्ट टूट जाए तो पलस्तर बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? बदमाना चाहिए ना। लेकिन पलस्तर उल्टा लग गया तो, यदि धोखे से गिर गया संचालक जी, किसी का हाथ टूट गया तो पलस्तर तो चढ़वाएंगे, परंतु वो उल्टा जुड़ गया तो क्या करोगे आप? ठीक, आपने दिखा भी दिया। देखो नबीन भाई वो हाथ करके दिखा रहा है, हे मित्र ये टेढ़ा हो गया, यदि सीधा करना होता तो पुनः तुड़वाना पड़ता। आप पहले तुड़वा लेते ना, पहले टूटा था फिर मैं जुड़वाया पैसा दे करके, लेकिन सीधा करवाना तो पुनः पैसा देकर तुड़वाना पड़ेगा। वो बिना तुड़वाए अब सीधा हो सकता? इसी प्रकार से यदि हम विपरीत मार्ग पर चल रहे थे, किसी ने तुम्हें सम्यक मार्ग के नाम पर लगा लिया, वो मार्ग उल्टा था, तो सीधा हाथ टूट गया उल्टा जुड़ जाए तो पुनः आपको शल्यक्रिया करा के सीधा कराना पड़ेगा। ऐसे उल्टी श्रद्धा जुड़ गई हैं, उन श्रद्धाओं को तोड़ना पड़ेगा, पुनः सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करना पड़ेगा। श्रद्धा तोड़ना पड़ेगी। चमकते चावल देखते रहोगे तो खीर नहीं खा पाओगे। क्यों? जो आपकी भोरी में चमक रहे थे चावल, उनको पकाना पड़ेगा। वो पक जाएंगे तो चावल समाप्त हो जाएंगे, वो पर्याय बदल जाएगी। इसलिए ज्ञानियों, जिनको चमकते चावल देखना है वे खीर नहीं खा पाएंगे, चमकता मिथ्यात देखना है वे सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की ओर प्रवेश होना चाहिए, परंतु सम्यक ज्ञान की ओर। संसार में कोई महत्वपूर्ण वस्तु है उसका नाम आस्था है, विश्वास है। विश्वास है इस भवन में आप बैठे हो विश्वास के नाम पर, कहीं विश्वास टूट जाए कि गिर ना जाए, आप उठ के चले जाओ। माँ के हाथ की रोटी भी खाते तो विश्वास के साथ, भ्रम हो जाए कि माँ जहर ना दे दे, आप रोटी नहीं खा पाएंगे। और आज भैया समझ, जो पागलों की संख्या बढ़ रही है वो अधिक सोचने से और भ्रम के कारण बढ़ रही है। जो जो भविष्य में पागल हुए हैं वो होंगे भविष्य में, वे अधिक सोच लिए और शक्ति से अधिक सोचेंगे तो पागल होना ही है। अपने पुण्य के बल पर जियो, अपने भाग्य पर जियो, अपने पुरुषार्थ पर जियो, परंतु पुरुषार्थ करते समय इस बात का विवेक रखा जाए कि पुरुषार्थ प्रचंड हो सकता है, कार्य भाग के साथ होगा। पालक
वह खोदने से पानी निकलता है कि पानी होने से पानी निकलता है? खड़ा हो जा बेटा। कुआं खोदने से पानी निकलता है कि पानी होने से पानी निकलता है? पानी होने से पानी निकलता है, बराबर। खोदोगे नहीं निकलेगा कैसे? हाँ हाँ, तो दोनों चाहिए ना। तो आपने कहा खोदने से निकलता है, वहां चट्टान निकल पड़ी, फिर क्या होगा? तो पानी भी होना चाहिए जमीन में और खोदना भी पड़ेगा, इसलिए भाग्य भी होना चाहिए और पुरुषार्थ भी होना चाहिए, तभी कार्य की सिद्धि होगी। बेटा कह देना अपने घर जाके पिताजी से, बोले हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, वो आपको मेरे पुरुषार्थ से ही काम होता है, यदि भाग्य नहीं हुआ तब भी काम नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थ करना सीखो, रोना मत सीखो, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कार्य भाग्य देगा साथ तभी बनेगा। इसलिए जो भाग्यवादी लोग हैं उनके भी कार्य सिद्ध होने वाले नहीं है, पुरुषार्थ एकांती है वे भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बोले जहां पर भाग्य भाग्य पर ही बैठा हुआ है, पुरुषार्थ नहीं करेगा भाग्य बनेगा कैसे? वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बनता है, वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बनता है। आज आप अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छे स्थान पाओगे, और आप बैठ गए मेरे भाग्य में होगा तो मैं बहुत अच्छा स्थान पा लूंगा, लेकिन बेटा भाग्य में तो होगा। एक व्यक्ति था, ये भैया खड़े ना दिख रहे तुमको, एक महात्मा जी के पास गए तो नवीन जी ने कहा महात्मा जी कोई संतान नहीं है, आपका आशीर्वाद मिल जाए। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ। अब नवीन धर्मात्मा ठहरा, उसने सोचा जब आशीर्वाद मिल ही गया है तो पाप करने की क्या आवश्यकता, उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, 9 महीने का ब्रह्मचर्य ले लिया। और 9 महीने बाद महात्मा जी के पास फिर गया, बोले आपने तो आशीर्वाद दिया था संतान हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। बोले क्यों? बोले आपने कहा संतान हो जाएगी तो मैंने सोचा नवकोटि जीवों की हत्या क्यों करूं, हमने ब्रह्मचर्य ले, दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य ले लिया है। अब महात्मा जी देखते रह गए, बोले भाई आशीर्वाद वही फलित होता है पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ करोगे नहीं भाई, आपने कहा गुरुजी सुब्रत सागर जी महाराज आशीर्वाद दे दो मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, बस उन्होंने हाथ उठा दिया और तुमने घूमने के लिए बाहर निकल गए। वो बाहर निकल गए, जब परीक्षा का समय आया पहुंच गए स्कूल में, बोले गुरु का आशीर्वाद है। मित्र गुरु का आशीर्वाद वहीं लगेगा जहां पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ ही नहीं है तो आशीर्वाद क्या करेगा। इसलिए अब भोले भैया बैठे हैं, अरे पुरुषार्थ करें। अब बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निशम तो दैवता, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निशम तो पुरुषार्थ। अब बुद्धिपूर्वक जो इष्ट अनिष्ट होता है वो दैव है, भाग्य विधि है, वृंश है, कर्म है, सिद्धांत है। हे मित्र बुद्धिपूर्वक जो होता है उसी का नाम पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ एकांत भी विपरीत मिथ्यात है और दैव एकांत भी मिथ्यात है, दोनों बराबर होंगे। अब बोल बेटा पानी कब निकलेगा, एक बार और बोल, खड़ा हो जा मित्र, पानी कब निकलेगा? पानी भी होना चाहिए और खोदना भी चाहिए, ठीक है। क्या गेहूं में रोटी नहीं होती ना, गेहूं में रोटी नहीं होती ना,
पूछो इन माताओं से गेहूं में रोटी होती कि नहीं, गेहूं में रोटी नहीं होती ना, होती ना, तो बस गेहूं रखो रोटी खाना शुरू करो। बोल बेटा बोल, बनाने पड़ेगी ना। तो ऐसे ये ज्ञानी क्या बोलता, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। अरे तू भगवान तो है, जैसे गेहूं में रोटी है वैसे तू भगवान है। बिना बनाए रोटी बन नहीं सकती है, बिना तपस्या के भगवान बन नहीं सकते हो। ये सब कपड़े पहने भगवान बनना चाहते बेटा, चाहे देवबंद के हो, मुजफ्फरनगर के हो, अभी सोनीपत पानीपत कहाँ कहाँ श्रावक आए, सब सोते बस गुरुजी ऐसे ठिठुरना पड़े नहीं। संक्रांति जानते हो, अभी 14 तारीख को जनवरी में आने वाली है मकर संक्रांति, नाम सुना बेटा? उसमें क्या होता है, घर में कुछ बनता कि नहीं बनता? लड्डू बनते ना, मंगोड़े बनते ना। हाँ देख बेटा, इधर माताओं को चेहरे देख, ये सबको याद है, इनके बनाते ना। तो प्रश्न ये करना, माँ मूंग की दाल से मंगोड़ी बनती कि नहीं? मंगोड़े बनते ना मूंग की दाल से, बस मूंग की दाल को रख देना, उससे कहना है मूंग तू मंगोड़े बन के आ। मालूम, अब अपने यहाँ तो पूरे क्षेत्र में गन्नी गन्ना हो रहा है। एक ऐसा जीव आया, बहुत ज्ञानी जीव आया, तो अपनी ससुराल गया, हो सकता है उसके देवबंद में ससुराल थी उसकी। तो जब आया बेचारा खर्च करके आया, पर जो सासू माँ थी उसने शुद्धात्म तत्व को पढ़ लिया था। उसने क्या किया, एक कपास लेके आई, कपास मतलब रुई का बिनोला, उस अपने दामाद को भेंट कर दिया। ठीक है, और कहते बेटा जितनी पोशाकें बनती हैं सब इसी में है। बेचारा सोचता है बहुत चतुर है, फिर एक गन्ना तोड़ के लाए और गन्ना खेत से लाकर गन्ना दे दिया। देख बेटा जितनी मिठाइयाँ, बोल किससे बनती हैं? बोले गन्ने से, पकड़। बेचारा सोचता है 1,000-5,000 रुपए खर्च करके आया हूँ मैं, ठीक है, ओ ये माने तो। बोले देख द्रव दृष्टि से, देख द्रव दृष्टि से देख, और द्रव दृष्टि से दिखा करके सारी उसने घुमा दिया उसको, बेचारा चला गया। जब श्रावण का महीना आया, सासू माँ का बेटा अपनी बहन से राखी बंधाने गया, कहाँ पर, समझ गया ना तुम? हाँ, वो भी बहुत ज्ञानी था। उसने क्या क्या किया, एक बोरे से गेहूं का थाल भर के लाया, उसके सामने रख दिया। देख भाई, रोटी पूड़ी पापड़ पपड़ाटे जो भी बनता किससे बनता? बोल, बोले गेहूं से। बोले खाओ, स्वीकार करो। बोले जीजा जी क्या बोलते हो? बोले मैं नहीं बोलता, अपनी माँ से पूछ गया। बोले मैं आपके यहां गया, आप मालूम आपकी माँ ने क्या किया, गन्ने के खेत से गन्ना ला करके मुझे दे दिया, वो कहा बेटा जितनी मिठाई इसी से बनती है, द्रव दृष्टि से देख लो। तो मैं भी कह द्रव दृष्टि से देख लो। अरे द्रव दृष्टि से देखा ही जा सकता है, बस चखा नहीं जा सकता है। ऐसे ही द्रव दृष्टि से तुम भी भगवान हो कि नहीं? जितने बैठे हुए खड़े हुए सब भगवान है, लेकिन भगवान बनने के लिए गन्ना से मिठाइयां तो बनती हैं, पहले रस निकलेगा, उससे गुड़ अथवा शक्कर बनेगी, तभी तो मिठाइयां बनेंगी कि ऐसी मिठाइयाँ बन जाएंगी। बेटा समझ, आज प्रवचन सुन करके जीवन में ध्यान रखना, ऐसे लोग आपको मिलेंगे भविष्य में जो कहेंगे पालक तू भगवान है, मैं भगवान हूँ।
अब भगवान के मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बोले अपन दोनों भगवान है, बराबर। तो दोनों भगवान हो गए तो मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उनसे कहना मित्र आप भी एक गन्ना तोड़ के दे देना उसको। बोले देख इसमें सब मिठाइयां हैं। जब वो चीखे चिल्ला बोले इसमें क्या मिठाइयां हैं, बोले मित्र जितनी मिठाइयां बनेंगी इसी से बनेगी ना। बोले हाँ, तो भगवान कौन बनेंगे, मैं ही बनूंगा ना, तो बिना रस निकाले मिठाइयां बनेंगी कैसे, तो बिना तपस्या के भगवान बनोगे कैसे। कच्चे माल को स्वीकार तो करना पड़ेगा पर पक्का तभी बनेगा जब पुरुषार्थ करोगे, ठीक है। मूंग में मंगोड़े हैं, है नहीं है, स्वीकार करो है, इसके बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितनी सरल बात है, इसको लोग नहीं समझते हैं, छोटा सा बच्चा समझ गया। भाई पानी पर तू समझता है क्या, ये बोल रहा है मूंग में मड़ोगे मड़ोगे, मूंग के दाल में मूंग के अंदर मंगोड़े हैं कि नहीं, तो स्वीकार करो फिर। बनाना पड़ते जी, तो मित्र जब मंगोड़े बनाना पड़ सकते हैं तो मंगोड़े बनाना पड़ते। महाराज लोग क्या बोल रहे थे, ठिठुर रहे हैं ठिठुर रहे हैं ठिठुर रहे, तो मूंग के दाल के मंगोड़े सीधे बन जाते हैं ना मित्र, सीधे बन जाते हैं। तो अरे पुरुषार्थ तो करना पड़ता, कौन सा पुरुषार्थ, वो बेचारी मूंग से पूछो बेटा, सबसे पहले उसको ठंडे पानी में गलना ही पड़ता है, कहां जी मोटे मोटे ब्रह्मचारी भोले भैया बैठे ना, ये तो मूंग में मंगोड़े देखता है, वो मूंग में मंगोड़े देख के पेट भरना चाहता है। उससे बोलो मित्र बिना मूंग को ठंडे पानी में डुबाए बिना दाल को फिर इतना इतने से काम नहीं चलता, तो सिलबट्टे पर पिसना पड़ता उसको, तब भी शांति नहीं मिलती बेटा, फिर बना करके ओहो हो गरम तेल में खोलना पड़ता, ओहो तब भी शांति नहीं मिलती, ये माताएं उसके अंदर ओ खटाई के पानी में डाल देती, तब बनता दही बड़ा। ओहो बड़े कैसे बने, बड़े कैसे बने, इतना सारा सहन करना पड़ता बड़े बन पाते बेटा, समझ। दुनिया में लोग बड़ा तो बनना चाहते सहन करना नहीं चाहते। ओहो हो ज्यादा कुछ तो ताली बजा देंगे, देख मित्र तुझे बड़ा बनने की नहीं बनना, ठीक है ना। अब ये लोग क्या सोचते हैं, भोले जैसे ब्रह्मचारी बड़ा बन जाऊं बड़ा बन जाऊं, कहां से बड़े बनेगो, पहले कढ़ाई में तो आओ। सीधे लोग आचार बनना चाहते हैं, आचार और मालूम उनके बस में चले ना तो तीर्थंकर भगवान बन जाए, घोषणा कर देवे तो। लेकिन मित्र घोषणा के भगवान होते नहीं और भगवान घोषणा करते नहीं, भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं, प्रभुत्व प्रकट होगा अपने आप भगवान कहलाएंगे। तो क्या विचार है, भाई बड़ा बनना है, बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए चाहे व्यवहार में बड़े हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों, इन सब के जीवन से मिलना चाहिए। और जितने उत्कृष्ट लोग हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए राम का चरित्र, पढ़िए वर्धमान का चरित्र, भगवान पारसनाथ के जीव को पढ़िए बेटा, एक बार तो पढ़ो पारसनाथ चरित पढ़ लो,
हाथी से भगवान बन गए। भगवान महावीर स्वामी को पढ़ लीजिए बेटा, कौन थे वो? सिंह थे। शेर की पर्याय से पुरुषार्थ करते करते भगवान महावीर स्वामी बन गए। जब शेर भगवान बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते हो भाई? जब शेर भगवान बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते? ठान लेना चाहिए, निर्णय पक्का होना चाहिए। आप लोगों ने आज ठान लिया, विचार कर लिया, मुजफ्फरनगर से आए हो, चेहरा कह रहा आपका। मित्र, आप मुजफ्फरनगर से आए हो लेकिन सुबह से कितनी ठंडी में तुम चले होगे। यदि वैसे माँ कहती बेटा उठ जा तो तुम उठते नहीं, पिता डांटता तब भी खड़े नहीं होते, लेकिन शाम को तुमने सोच लिया था गुरु जी के पास जाना है, अपने आप नींद खुल गई तुम्हारी। सत्य बोलो, किसी ने जगाया? किसी ने जगाया? ओ माँ बालक, तुमने मना किया? क्यों नहीं किया? आना था। जब मेरे पास आने के लिए तुम ठंडी में जग सकते हो तो भगवान बनने के लिए हम जग सकते हैं। पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। अपनी डायरी पे घर में जाके नोट करके लिख देना बेटा, पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है जब भाग्य साथ देता है। आप ठंडा पानी डालते पाप के लिए, इसलिए नहीं उठा वो। आज इशारा किया गुरु के पास जाने के लिए, इसलिए खड़ा हो गया। इसलिए आप अनुभव करो, अनुभव करो। हर बालक के अंदर श्रेष्ठ कार्य करना बनता है, वो हर बच्चा बच्चा समझता है पाप पाप है। बैठ जाओ बेटा, सीखना हुआ है, सीखना हुआ है, सिखाने वाले भी सीख जाए। सुनो मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो जिन्होंने जन्म दिया है वे हमारे जीवन से कुछ सीख लें। पुनः कहूं, ऐसा जीवन मत जियो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वे रोने लग जाए कि जन्म ही क्यों दिया, कि बेटे ने बदनाम कर दिया, पिता को सिर नीचा करके निकलना पड़े। ऐसा जीवन संतान को नहीं जीना चाहिए। तुम्हारे जीवन को देख करके पिता शिक्षा ले सके, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तुम्हारे दादा 60 वर्ष की उम्र में दी महाराज को हार दे पाए और तुम आज मुनिराज के पास बैठे बेटा, उनकी आंखों में आंसू झलकता है। इतना पुण्य मैंने नहीं क्यों नहीं किया कि आज ये नन्हे मन्ने बच्चे मुनिराज का ध्वजा लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। बेटा पंडित जी सब देश से कहो, ध्वजा लेने के लिए नौकरों को बुला, बालको इधर देखो मित्र, कहीं जलूस निकल रहा है, और तुम देखो ध्वजा कौन लिए है, वो आपको चेहरा दिख जाए, ये पैसे का आदमी बुलाया कि पकड़ाया गया है। तुम जाके समाज के अध्यक्ष से कहना, ये धर्म नौकरों का नहीं है, हमारा धर्म है ध्वजा लेके मैं चलूंगा। तुमने ध्वज ही दूसरे को दे दिया संचालक जी, अब तुम्हारे हाथ में बचा क्या? राष्ट्र का ध्वज कौन फहराता है मालूम? 15 अगस्त का अलग फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस का अलग फहराया जाता है, दोनों के अलग अलग नेता पहुंचते हैं। आज तक किसी नौकर से फहराया क्या? वो तो देश का ध्वज है, उसे फहराने के लिए
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। बेटा जिन शासन के ध्वज को फहराने के लिए जब ये किसी नौकर को पकड़ाए तुम ले लेना वापस। बोले ये धर्म का ध्वज मैं लेके चलूंगा। सुन रहा ना बालक, क्या नाम है? भव्य। बेटा भव्य, कुछ नहीं करना तुम, कुछ नहीं करना, मात ध्वजा को आगे लेके चलना। और तुम जैसे चेहरे लेके चलेंगे ना, लोग पूछेंगे क्यों तू नौकर है क्या? बोले हाँ, मैं किसी सेठ और राजा का नौकर नहीं हूं, मैं जिन शासन का भक्त हूं। भक्त नहीं हूं, भक्त हूं। ओ ज्ञानियों, जैसे अभी तुम महाराज की अगवानी कर रहे थे, यदि जीवन में महाराज नहीं बन पाओ बेटा तो कम से कम अगवानी करते रहना। ज्ञात्वा, इसलिए तत्व को जान करके ऐसा जीवन जियो। आज मालूम दिल्ली में कहाँ पर रामलीला मैदान में बहुत सारे बेटा लोग ध्वजा लिए बैठे हैं, जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? ज्ञानी बनो, धानी बनो, बलवान भी बनो। ज्ञानी बनो, धानी बनो, बलवान भी बनो, और बलवान बनके हम वीर का ध्वज लेकर के आगे बढ़ेंगे। भारत, भारत भूमि है, ये धर्म भूमि है, तीर्थ भूमि है, सारा संपूर्ण तीर्थ तुम्हारे कहाँ पर है? भारत में है। और भगवान तो नवीन भाई आप हो, जिस देश में प्रदेश में तुम वर्दी लगाए खड़े हो, सर्वाधिक जन्मभूमियां कई हैं तो उत्तर प्रदेश में। ऋषभ देव का जन्म हुआ तो अयोध्या में, तो श्री राम का जन्म हुआ। मित्र, यदि पारसनाथ का काशी बनारसी में जन्म होता है, 18 तीर्थंकरों का जन्म आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बगल में शांत कुंत रेनाथ, नारायण कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहां पर है? ओहो, सोरीपुर बटेश्वर तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी का जन्म हुआ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहां की मिट्टी, जिन लोगों का भ्रम भूला महाराजों का कि उत्तर प्रदेश में धर्म नहीं है, जब लोप होगा जब होगा, लेकिन आज तो देखो कितने सुंदर सुंदर विशाल विशाल मंदिर हैं, कितनी बड़ी बड़ी समाजें हैं, चारों सारी गलियों में जय जयकार हो रहा है। इसलिए इन सारे देश के मुनियों को बिहार करना चाहिए उत्तर भारत में। नदी बहती प्रकृति से, भव्य अपने दादा से पूछना, एक प्रश्न करना। बोले नदी बहती प्रकृति से, अपना सहज रूप बनाकर निकलती है, नदी को कोई तैयार नहीं करता है, नदी स्वयं बहती है। नहरें, नहरें, नहरें क्यों बनाई जाती हैं? जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाए अपने आप, वहां तुम नहरों से भेजते कि नहीं बहते हो? तो कहीं जहां जहां नदी बहती है वहां बेटा हरियाली हो जाती है। जहां जहां नदियां बहती है वहां आप देखो, आपके इस प्रांत में बहुत पानी है तो गंदे गंदे चारों दिख रहे हैं। और अब मेरी समझ में आ गया आज बहुत अच्छे से कि भगवान आदिनाथ स्वामी अयोध्या से बिहार करते करते ये उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर ही क्यों आए? क्योंकि भगवान ने यहां पर गन्ने का रस लिया था, तो तब से इतना गन्ना हो रहा है कि आज तक गन्नी गन्ना दिख रहा है पूरे प्रदेश में।
क्योंकि मुनिराज यथालब्ध चर्या करते हैं। उन्होंने देखा इस प्रांत में गन्ना है तो इच्छुरस को ही लिया और कुछ भी नहीं लिया। तो जहां नदियां बहती हैं वहां तो हरी हरी है, पर जहां नदियां नहीं पहुंच पा रही हैं, नदी अपनी धार में बहती है, वहां क्या बनाते हो? नहर। तो ज्ञानी, यदि नदी कितनी दूर हो पर उससे लोग नहरें बांध बना करके नहरें निकाल ले जाते, ऐसे मुनिराज चाहे मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, अन्य प्रांतों में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, राजस्थान में हो, बोलना अपने दादा से, जैसे बड़ौद वाले लेके आ गए ना, नदी निकाल लेते, नदी से नहर निकाल लेते हैं, ऐसी किसी प्रांत में मुनिराज हो तुम नहर की भांति निकाल के लाओ, बोले हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहना चाहिए। हरियाणा बे नहर की खुदाई करने कर रही तो रहे, या आए क्यों हैं? ये आए क्यों? इसलिए तो आए हैं सोनीपत वाले कि गुरुजी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा में चलो ना। तो मित्र आप विकल्प मत करो, जो पुरुषा करता है खुदाई करेगा तो नहर तो अपने आप आएगी ना। देख बेटा, गाय को तुम अपने हाथ से खींच के ले जाओ तो बहुत कठिन है, और गाय ने यदि बछड़े को जन्म दे दिया तो तुम गाय को हाँको मत हाँको, बछड़े को गोद में ले लो, बछड़े को गोद में ले लो, आंगे आंगे चलो, गाय तो अपने आप चलती है। पूछ लो सब लोगों से, गाय का बछड़ा गोद में ले लो, अब तुमको कुछ नहीं करना, अपने आप आगे चलेगी। ऐसे मित्र, जहाँ समाज में इन बालकों के अंदर धर्म का रस है, ये बछड़े यदि आगे आ रहे हैं तो गुरु महाराज तो अपने आप चले आते हैं। पूरा जिन शासन और पूरा देश बछड़ों पर टिकाया। इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान को जान करके स्वीकार करना, उपदेश को जान करके स्वीकार करना, पेय को पीना पहले नहीं, पेय को पहचानना पहले। कोई कुछ भी पिला दे, आज नियम लो बब, तुम तीनों बच्चे, अपरिचित आदमी कुछ भी खाने को देगा खाऊंगा नहीं, जब तक जिसे जानोगे नहीं तब तक खाना नहीं बेटा। तुम रास्ते में कहीं जा रहे थे, ठीक है ना, किसी ने तुमको कुछ भी पीने को दे दिया, पहले पहचानना, आदमी को भी पहचानना, ये मुझे जीने के लिए पिला रहा है कि मारने के लिए पिला रहा है। हो भैया, हर जगह का पानी नहीं पीना पड़ता ना, तुम्हें जीने के लिए पिला रहा है कि मारने के लिए पिला रहा है? विश्वास सुनाई पड़ रहा ना, समझ में आ रहा ना? पानी पियो परंतु मित्र पहचान लो किसके घर का पानी ये मुझे मारना चाहता है कि जिलाना चाहता है। ऐसी उपदेश सुनो, ये हमारे सम्मेत को मारना चाहता है कि जिलाना चाहता है, वही उपदेश सुनना है हमको। देव सास गुरु से जो दूर रख दे, ऐसे प्रवचन नहीं सुनना। जो वीतरागी दिगमृत्यु के प्रति आस्था खड़ी कराए वही प्रवचन सुनना है। सर्व गोपज्ञ सत विद्या, ओह कितना सुंदर शब्द है। अविद्या को प्राप्त करके कल्याण नहीं होगा, सत विद्या। और सत विद्या यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसके द्वारा कहा हुआ है? सर्व गोपज्ञ, भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है वो ज्ञान, भव छेद कारणम। प्यास लगी तीक्ष्ण प्यास ग्रीष्म काल की, बेटा एक गिलास पानी, उसमें हीरे की कीमत नहीं है, सोने की कीमत नहीं है, किसकी कीमत है?
एक गिलास पानी की कीमत है। प्राण बच गए तो हीरे चांदी मोती सब काम के हैं, और प्राण नहीं बचे तो मर्जी तो हीरा किस काम का, हीरा किस काम का। कोई तुमको शास्त्र के शास्त्र दिखा दे, ज्ञान बता दे, लेकिन हमारे श्रद्धा के प्राण ही नहीं बचे, तुम्हारे प्रवचन किस काम के। आस्था विश्वास बढ़ाए। अब एक गिलास पानी की कितनी कीमत कि प्राण बच जाएंगे। उसी प्रकार से भवच्छेद कारणम, शुद्ध प्राशुक पानी कंठ के प्राण को बचा लेता बेटा। ऐसे जिनवाणी माँ हमारे भव भव के भ्रमण से बचा लेता। बेटा भव्य विश्वास मान, जन्म देने वाली माँ एक बार दगा दे सकती है। तुम बड़े हो गए, तुमने हिस्सा मांगा, वो चेहरा बना सकती है, लेकिन माँ जिनवाणी माँ कभी दगा नहीं देगी। संसार का नाश जब भी होगा, भगवत्ता की सिद्धि जब भी होगी, बागीश्री माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से ही होगी। इसलिए बाल को जीवन का एक निर्णय करके जीना कि जन्म और जीवन माँ के दो आंचलों से चल सकता है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जन्म के समय जीवन माँ के दो आंचलों के दूध पान से चल सकता है। पुनः सुनिए, ये शरीर जन्म से आज तक माँ के दो आंचलों से इतना बड़ा हो गया। जन्म के लिए माँ का दूध चाहिए है, जन्म से जीने के लिए माँ का दूध चाहिए है, बराबर। लेकिन जन्म मन का नाश करने के लिए चार आंचल वाला माँ जिनवाणी का दूध चाहिए। प्रथमा नियोग, करुणा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग, ये चार आंचल हैं, चार आंचल जिनवाणी के। ये चार आंचलों का पान करोगे बालक, जन्म मरण का नाश हो जाएगा। गोद में खिलाने वाली माताएं दो ही आंचल का दूध पिला पाती हैं, परंतु जो मोक्ष मार के पालने में खिलाने वाली माँ है, मुझे चार आंचल से दूध पिलाती है। इसलिए इसका यहां लिखा सद विद्या भव छेद कारणम। जब भी भव का छेद होगा तो शास्त्र स्वाध्याय से होगा, रत्न त्रयम धर्म के पालने से होगा, सैभ्यों से व्यस्ता। इसलिए उस मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने वाली शत पुरुषों के द्वारा शत भी मोक्ष मार्ग प्रकाश का शत मार्ग को प्रकाशित करने वाले, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली उसी का उपासना करना साशेभ्यास्ता, उसी की उपासना करना। किसकी? सत विद्या उपासना करो। किसकी? सत विद्या, सत विद्या। ऐसी संगति में मत जाना कुविद्या की प्रकटता, उस संगति में बैठना सद्विद्या की प्राप्ति हो, अविद्या का नाश हो, और इतनी योग्यता हासिल करो कि जिनवाणी सुनते सुनते हमारे मुख से जिनवाणी निकलना प्रारंभ हो जाए। जाना नहीं है, जाना नहीं है आप लोगों को। देख बेटा भव्य, इन माताओं को मेरी वाणी का अमृत मिल रहा है, तब ये उठ नहीं रहे हैं। इससे विश्वास करो, जब भगवान की वाणी कीर्ति होगी तो शेर हाथी गाय बैल एक साथ बैठ के सुनते थे, कितना महान वाणी थी प्रभु की। मैं तो इस क्षेत्र में इसलिए भ्रमण कर रहा हूँ, क्यों?
कि आप लोग तो दिख ही रहे हो, इन क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवंतों ने विहार किया है। मालूम नवीन भैया मशीन आ गई है, सूखे स्थान पर रख दो उसमें पानी भर जाता है, सुना आपने? भव्य एक मशीन आ गई बेटा, उसको रख दो, पेटी रहती है वो, जहाँ पानी नहीं है वो पानी का सूत्र क्या है, H2O, सुना ना आपने पानी का सूत्र? डबल पढ़े लिखे हो क्या? पानी का सूत्र क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब दोनों मिल जाते तो पानी बन जाता है। तो मालूम उन्होंने वो मशीन के माध्यम से ऐसा बना के रखा है कि दोनों वहाँ मिलकर के वायु से ही पानी भर जाता है, ठीक है ना, पानी भर जाता है, सूखे स्थान पर पानी मिलता है। वो मशीन की महिमा देखो, कैसे पानी तो है लेकिन आपको मालूम नहीं क्योंकि मशीन नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे विश्वास मानो, जहाँ तुम बैठे हुए देवबंद में, यहाँ से भी तीर्थंकरों का विहार हुआ है। मालूम भगवान ने विहार किया है। अब वो तुम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास मशीन नहीं है, जिनके पास मशीन है वो पकड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहुँचते ही मालूम चल जाता है ये देव भूमि है। जाओ, कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूँगा। अपने जीवन में विद्या को प्राप्त करो, अविद्या का नाश करो, पर विद्या के नाम पर मत जियो, सद्विद्या को प्राप्त करो। आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न। महावीर स्वामी की